अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इंग्लैंड और इंडिया का आज मैच देखा है तो आपने एक बात पर तो गौर किया होगा कि इंडिया जानबूझकर हार गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान को इंडिया ने जानबूझकर सेमीफाइनल से रोकना चाहा है। आप देख सकते थे कि मैच में इंडिया ने किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। ऐसा लगता था जैसे मैच नहीं मजाक। अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपने मैच देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बात तो इंडिया की लाजमी बताइएगा, क्या आपको लगता है या नहीं लगता। अगर आपने भी इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की इतनी अच्छी टीम कैसे हार सकती है भाई, पिछले मैचेस में इंडिया ने कितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इस मैच में आकर इंडिया खुद से हार गया है और अब पाकिस्तान को उसने नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी भी इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकती है, अभी भी बड़े चांसेस मौजूद हैं। तो भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि बुमराह ने बहुत अच्छी कोशिश की, मतलब उसने अच्छी अच्छी बॉलिंग की है, तो उनको तो एक क्रेडिट जाता है। लेकिन भैया, बाकी जो बॉलर्स थे या फिर उनके बैट्समैन थे, उन्होंने कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी टीम को वो जानबूझकर ही नीचा दिखाना चाह रहे हैं। आपने मैच तो देखा ही होगा, यकीनन देखा होगा। अगर देखा है तो आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि वाकई में इंडिया हकीकत में हार रहा है। लेकिन भैया, यहाँ पर एक बात और भी बता दूँ, जो इंडिया के बॉलर्स वो आज इतने ज़्यादा रन कैसे दे सकते हैं भाई, कैसे हो सकता है? और जो के अच्छे अच्छे नंबर बनाने वाले थे खिलाड़ी, वो कैसे इतने जल्दी आउट हो सकते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।